हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग हटके है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आए हैं अपने कॉलेज। तो एक कॉलेज के बारे में मैं बता दें, मेरा कॉलेज कहाँ है और मतलब ये कॉलेज का देखिए पूरा ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंड में हम लोग, अब चूंकि आप लोगों को क्लासेस नहीं चल रहा है, ताकि काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उसको उसका रीज़न भी वीडियो क्लास तक बताएंगे ज़रूर। और आज सबसे पहले आप अपने कॉलेज के बारे में बता देते हैं, तो उसको देख लीजिए कॉलेज क्या है। तो ये देखिए मैं कॉलेज कैंपस में हूँ, ठीक है। यहाँ का देखिए पहले यहाँ तो एक कॉलेज का पहले अभी तो कोई लोग मेरे कॉलेज के जो जान रहे हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो कॉलेज के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो मेरा जो कॉलेज है ITM महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ITM में देखिए यहाँ का कैंपस देखिए कितना बड़ा है, ठीक है, और हरियाली भी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा भी है। तो यहाँ का ITM महाराजगंज, ठीक है, ये जो है महाराजगंज फरिंदा वाले रोड पर है, ठीक है, बीच में चेरी है, वहाँ पर एक गाँव है, ठीक है, उसी के दर राइट साइड में आपको इधर से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ का कैंपस यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी मतलब ये जो पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए पीछे, जस्ट यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा है एक मेस है बच्चों को खाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों के लिए मेस है, देख सकते हैं आप पीछे, जस्ट इसके पीछे है इसका मेस है, ठीक है। और आपको अगर दिखा दें, यहाँ हम लोग जो कॉलेज आते हैं तो कॉलेज का गेट है ये वाला, ये आपको जस्ट दिखा देते हैं मतलब कैसे एंट्री करते हैं, देख सकते हैं आप कॉलेज का गेट है, ठीक है। देखिए एक कॉलेज का गेट है आपका टोटल है, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रोड से आते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर गेट लगा हुआ है कॉलेज में, ठीक है। और यहाँ से जैसे जस्ट हम लोग इंटर करते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये वाला मेन गेट है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेन गेट है, यहाँ से कॉलेज एंट्री करते हैं। और यहाँ से देखिए मेन रोड एक फरिंदा वाला है, यानी इस साइड में फरिंदा वाला रोड है, ठीक है, फरिंदा से महाराजगंज साइड में रोड जाते हैं, वहाँ के देखिए बस जा रहा है, ठीक है। और वहाँ से मतलब 100 या 150 मीटर होगा, 100 या 150 मीटर पर यहाँ कॉलेज का गेट है। इस कॉलेज का गेट है, यहाँ से एंट्री होता है, ठीक है। और अंदर से यहाँ पर दाहिने साइड में आप लोग, यहाँ दाहिने साइड में आपको देखिए हम लोग बाइक का स्टैंड लगता है, ठीक है। और इस साइड में यहाँ पर क्या है बच्चों के लिए मेसा जो हॉस्टलर है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होता है आप लोगों का, मतलब कॉलेज में यहाँ से जस्ट आप लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर। और यहाँ का देख सकते हैं आप कैंपस कितना खूबसूरत है, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कोई गार्डन से कम नहीं है, मतलब यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर और अभी अगर आपको कुछ और दिखाना चाहें तो वहाँ पर देखिए जस्ट राइट साइड में अभी और नज़दीक से दिखाते हैं आपको, तो देख सकते हैं ये सब मेरे दोस्त हैं। और यहाँ राइट साइड में भी दोस्ती हैं, बस इनके साथ में यहाँ पर आप नज़दीक से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो मेस है, ठीक है, जो भोजन वोजन यहाँ पर सब बच्चों के लिए जो हॉस्टल रहते हैं मेस है, ठीक है। और बाकी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ, वहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देख सकते हैं हम जस्ट जो गोल्ड बिल्डिंग है उसके जस्ट आगे यहाँ पर, मतलब यहीं पर जस्ट जो आगे खुला है यहाँ कैंटीन है, ठीक है। तो यहाँ मतलब खाने पीने की जो सामग्री होती है यहाँ पर मिलता है कैंटीन के पास, ठीक है। और आगे वाला जो वहाँ पर है एडमिशन सेल है, वहाँ पर एडमिशन वमिशन होता है, रजिस्ट्रार सर डायरेक्टर सर सभी लोग बैठते हैं वहाँ पर, ठीक है। और इधर भी देख सकते हैं आप, जस्ट राइट साइड में भी देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये सब यहाँ पर खेलने के लिए है, सब बास्केटबॉल सब खेलते हैं, ठीक है। आपको पीछे के कैमरा से दिखाते हैं आपको, तो वो था आपका मेस था, होगा आपका मेस था यहाँ पर, ये वाला मेस था। अब यहाँ पर देखिए एक बार पूरा कॉलेज है और ऑडिटोरियम है, वहाँ पर फंक्शन वंक्शन होता है उस वाले बिल्डिंग में, ठीक है, वहाँ फंक्शन होता है। देख सकते हैं ये मेरा कैंटीन है, यहाँ पर सभी लोग खाते पीते हैं, ठीक है। तो एक कैंटीन है, तो यहाँ पर एक बंदर भी आ गए बैठा है, अभी तो कैंटीन चल नहीं रहा क्योंकि एग्जाम था, सेशनल एग्जाम हो रहा है, तो ये कैंटीन है, ठीक है। और यहाँ का देखिए, यहाँ का बैकग्राउंड देखिए, मतलब यहाँ का एक मात्र छाया भी यहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का एक यहाँ ग्राउंड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये मात्र छाया है, ठीक है, तो किसी का मूर्ति है उसको देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब कॉलेज बस है, और आपको जो सामने दिखेगा यहाँ पर, आपको यहाँ सामने जो दिखा वो जो सामने वाला दिख रहा है, जो बिल्डिंग दिख रहा है वहाँ पर क्या वो गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, वहाँ हॉस्टल, उसका राइट साइड में बॉयज़ हॉस्टल भी है, ठीक है। और यहाँ का देखिए, यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, ठीक है, काफ़ी लोग। ये मेन बिल्डिंग है आपका, गोल्ड बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब जो भी मतलब गेस्ट वेस्ट आते हैं सब इसी में बैठते हैं, सर रजिस्ट्रार सर डायरेक्टर सब। यहाँ का देखिए लुक्स कितना बढ़िया है, ठीक है, यहाँ का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा भी किया गया है, ठीक। और इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल हॉस्टल सब अलग अलग व्यवस्थाएँ हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग जान अच्छा लगा होगा कॉलेज के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको पहले भी बता रहे थे। तो कॉलेज देख कर आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि आपको अभी तक कॉलेज के बारे में बताए नहीं थे, और हम सेशनल एग्जाम देने आए थे, तो सोचे टाइम से पहले आए तो थोड़ा सा वीडियो बना दें और आपका बता देते, आपका जो क्लासेज नहीं चल रहा है उसके बारे में बता दें। जैसे ही मेरा सेशनल 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी आज है कल है परसों है,
उसके बाद आपको क्लासेस प्रॉपर वे में मिलती रहेंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और भी जो भी है जो आपका रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देख सकते हैं कॉलेज के बारे में आई होप आपको बता भी दिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट करके मिलते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं, और भी कोई रिक्वायरमेंट हो कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।